अंकल का कहना है कि इसको अगर आप खा लिए तो आपको खाना खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रीट फूड चैलेंज, वो भी 24 आवर। सो मेरे साथ आज इस स्ट्रीट फूड चैलेंज में साथ देगी सिमरन जो कि पीछे बैठी हुई है। सो गाइज, आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। तो हम लोग आ गए हैं रांची के मार्केट में यहाँ का स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो क्योंकि 12 बज चुका है, आप देख सकते हो, सो 12 बज चुका है और हम लोग आज का जो स्ट्रीट फूड स्टार्ट करेंगे लिट्टी चोखा से करने वाले हैं। क्योंकि मैंने सोच के रखा था कि मैं खाऊंगी कचौड़ी, बट बहुत लेट हो गया है। अगर मेरे को अभी इस टाइम भी मिल जाए वो कचौड़ी वाला तो मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन लिट्टी चोखा से हम लोग स्टार्ट ही करेंगे जो कि यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लेट्स गो, चले। सो उससे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गो, लेट्स गो एक साथ, लेट्स गो। हम लोग आ गए हैं बाबा लिट्टी की दुकान में, शॉप में, जो कि बहुत ही फेमस है। तो हम लोग अपर बाजार में। भैया इसका फुल एड्रेस क्या है अपर बाजार का? क्या बोले? ईस्ट मार्केट रोड अपर बाजार। ईस्ट मार्केट रोड अपर बाजार। तो मैंने ले लिया है बिल्कुल शुद्ध देसी घी का लिट्टी चोखा। तो दिन की शुरुआत लिट्टी चोखा के साथ। सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। मेरा टर्न। मुँह में जाते घुल जा रहा है। उसका स्टफिंग बहुत अच्छा है, मेरा भर भर के इसमें सत्तू डाला हुआ है, देख सकते हो। उसका स्टफिंग बहुत अच्छा है और घी भी बहुत, और बहुत ही ज़्यादा टेंडर है। इसके साथ चटनी जो चोखा है बिल्कुल सिंपल चोखा है, मतलब ज़्यादा कुछ नया नहीं था। बेटा लोग पिएगा तो एक बार याद तो करेगी तुम एकदम। ये रबड़ी डाल करके बनाते हैं। रबड़ी डाल के स्पेशल? रबड़ी, हाँ, रबड़ी और कलाकंद डाल करके मैं बनाता हूँ। रबड़ी और कलाकंद? हाँ, रबड़ी लस्सी और कलाकंद मैं डालते हैं इसमें। अभी जो हम लोग नेक्स्ट प्लेस आए हैं गार्डन पान दुकान, ये एरिया का नाम है गार्डन चौक और अपर मार्केट में है बाबा लिट्टी के जस्ट आगे। तो हम लोग ने यहाँ पे दो तरह का लस्सी ट्राई करा है, एक नॉर्मल लस्सी और दूसरा ये बिल्कुल स्पेशल यहाँ का लस्सी है। इसमें रबड़ी और साथ में कलाकंद मिक्स है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी टेस्टी है। इसमें मक्खन भी मिक्स है तो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। अंकल का कहना है कि इसको अगर आप खा लिए तो आपको खाना खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कांची बड़ा, जो मेरे को देख के बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, मेरे को खाने का बहुत मन हो रहा था। गाइस अब कुछ नहीं सुनना है, कुछ बोलना भी नहीं है, बस खाना है। फटाफट से ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत गर्मी है।
ये जो पानी है ये पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आइए ट्राई करते हैं। बहुत ही टेस्टी है और पेट पे जाते ही एकदम ठंडा ठंडा फील आ रहा है। गाइस मैंने उसी दुकान से मैंने फिर से लिया ये छोले चाट, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में और भैया ने सजेस्ट किया कि आप इसको ट्राई करो, काफ़ी टेस्टी होता है। मैंने इसको ले लिया, इसका भी प्राइस 20 रुपीज़ है और मैंने जो कांजी वड़ा खाया उसका भी प्राइस 20 रुपीज़ था। कांजी वड़ा तो काफ़ी अच्छा था, मैं इसको ट्राई करती हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसमें छोला है, इसको घुघनी बोलते हैं और ऊपर से दही डाला गया है, साथ में मसाला है और आप देख सकते हो तो सेव भी डाला गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फुल फिलिंग है, बहुत ही अच्छा है। नेपाल हाउस जो कि रांची का वर्ल्ड फेमस है और यहाँ का मोमोज बहुत ही यमी होता है और यहाँ पे आप देखोगे शाम के टाइम इतना भीड़ लगता है, मेरे को लगता है कि रांची का सारे लोग यहीं पे आके मोमोज खाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन से यहाँ पे ठेले लगते हैं, यहाँ से वहाँ तक मेरे को लगता है 10-15 ठेले लगते हैं आराम से और यहाँ पे आपको मोमोज मिल जाएगा, सूप मिल जाएगा, चिकन लॉलीपॉप मिल जाएगा, स्प्रिंग रोल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर स्ट्रीट फूड का बात आए तो विदाउट यू नो नेपाल हाउस का मोमो कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने ले लिया एक प्लेट मोमोज, तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, पूरा नहीं खा पाऊंगी मैं, सारे मिलकर हम लोग खाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ का चिकन लॉलीपॉप। काफ़ी गर्म है गाइस, तो ये नॉन वेज है, आप देख सकते हो इसमें चटनी है, रेड चटनी, इसमें यहाँ पे ग्रीन चटनी आपको नहीं मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा है, चिकन का काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत सॉफ्ट है, जूसी है, आप देख सकते हो यहाँ पे अनियन वगैरह सैलड आपको ऊपर मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस अब सिमरन अपना रिव्यू देगी कि यहाँ का मोमोज उसको कैसा लगा, तो फटाफट से खा के बताओ कैसा लग रहा है। नेपाल हाउस का मोमो ऑन लेवल, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा ना, बहुत पसंद। सो गाइस मोमोज तो हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा आ गया है चिकन लॉलीपॉप। माय गॉड आई कांट वेट, मैं वेट नहीं कर सकती, बहुत ही गर्म है
यहाँ पे आप दो तरह का चिकन लॉलीपॉप खा सकते हैं, एक तो आप ड्राई खा सकते हैं और दूसरा आप ग्रेवी वाला खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब आई थी तो मैं यहाँ पे ड्राई खाई थी चिकन लॉलीपॉप, और इस टाइम मैंने इसको ग्रेवी वाला बनवाया है। सॉस वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो, सैलेड भी इसके ऊपर है। तो फटाफट से खाकर बताती हूँ मैं आप सबको कि कैसा लग रहा है ये। काफी अच्छा है, जैसे स्ट्रीट स्टाइल आप अगर खाना चाहोगे लॉलीपॉप तो जिस तरह का टेस्ट आता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है। कुछ खास यूनिक नहीं है बट अच्छा है, आई लाइक इट। सो गाइस अभी बज रहा है रात का 10 और आप देख सकते हो यहाँ का सारा मार्केट धीरे धीरे बंद हो रहा है। तो मैं भी आज के इस चैलेंज को एंड करती हूँ। सो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और अच्छा लगे तो जरूर कॉमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो अगले ब्लॉग के लिए रेडी रहना, बाय बाय।